हाय फ्रेंड्स, और एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आप भी HDFC बैंक का किसी भी तरह का क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं और उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि मेरा केस में पे अप्रूव के तहत मेरा कार्ड का जो लिमिट है उससे ज़्यादा मिल रहा है। तो कैसे अप्लाई करना है, कितना प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा, कितना EMI बनेगा और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, सारे चीज़ स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे और लाइव अप्लाई करके दिखाएंगे। तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। सो फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो हम लाते रहते हैं। तो मेरा पास HDFC बैंक का फ्रीडम क्रेडिट कार्ड है, तो इस क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए मुझे 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। तो अभी इस क्रेडिट कार्ड में जो लोन का ऑफ़र आया है, तो इस क्रेडिट कार्ड को मैंने किस तरीके से अप्लाई किए थे वो वाला वीडियो हम पहले से ही बना करके हमारे चैनल में अपलोड कर दिए हैं, आप जा कर के देख सकते हैं। तो HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड से जो लोन मिल रहा है उसका जो ऑफ़र के बारे में मेरा जो मोबाइल है उसमें एक SMS आया है। SMS में मेंशन कर दिया गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन अब्दुल, योर प्री अप्रूव्ड कैश लोन ऑन HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। साथ ही साथ कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर भी मेंशन कर दिया गया है। उसके बाद HDFC बैंक में मेरा जो रजिस्टर्ड ईमेल ID है उसमें भी एक मेल सेंड कर दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे सारे चीज़ मेंशन कर दिया गया है। और इसमें एक चीज़ मेंशन कर दिया गया है, जो प्रोसेसिंग फ़ी 999 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जो SMS है वहाँ से भी एक लिंक देखने को मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो बैनर दिया हुआ है चेक योर ऑफ़र के ऊपर क्लिक करके आप डायरेक्टली अप्लाई का जो ऑप्शन है वहाँ पे जा सकते हैं। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला जो अप्लाई प्रोसेस है आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। पेज का जो ऑफिशियल लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, आप डायरेक्टली इस पेज में आ सकते हैं। आने के बाद यहाँ पे तीनों स्टेप को फॉलो करके आप अपना कार्ड का जो लोन है उसको चेक कर सकते हैं या ऑफ़र को चेक कर सकते हैं। तो सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा ग्रेट कैश इन ए फ्लैश विथ लोन ऑन क्रेडिट कार्ड। तो ये जो लोन है आप क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट ही ले सकते हैं। तो उसको लेने के लिए सबसे पहले आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और साथ ही साथ आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर अभी फिलअप करना है। तो उसके बाद आगे का 3 स्टेप को फॉलो करके आप अपना लोन जो है यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है 3 स्टेप क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो सारे चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है और क्रेडिट कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। फिलअप करने के बाद व्यू लोन एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ सेकेंड यहाँ पे प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसमें 6 डिजिट OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे डाल करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ सेकंड वेट करना है। वेट करने के बाद आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जो लोन है यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो ग्रेट लोन इन है जस्ट 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके नीचे आपका नाम शो कर दिया जाएगा और आपके पास जो क्रेडिट कार्ड है उस क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट जितना लोन अमाउंट प्रोवाइड कर सकते हैं बैंक वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। तो मेरा केस में मेरा कार्ड का जो लिमिट है 20,000, लेकिन मेरा कार्ड का जो लिमिट है उससे ज़्यादा भी मिल रहा है, जो 30,000 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, तो सारे चीज़ यहाँ पे चेक कर सकते हैं। पहले आपको ऊपर से नीचे तक दिखा देते हैं, उसके बाद आपको एक एक करके जो स्टेप है सारे स्टेप को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, तो आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं होता है फिर भी आप ये जो लोन अमाउंट है आप डायरेक्टली आपका बैंक में ले सकते हैं। तो मेरा केस में यहाँ पे जो लोन अमाउंट दिया जा रहा है 30,000 रुपया, और उसके साथ ही साथ ये 1 ईयर के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें जो EMI बनेगा 2728 रुपये यहाँ पे EMI बनेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे 1.37% मंथली इंटरेस्ट है। यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा 999 रुपीज़, जो फास्ट EMI के टाइम आपको पे करना पड़ेगा। तो ये जो लोन अमाउंट है आप 2 तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास HDFC बैंक का अकाउंट नहीं है तो बाय कुरियर DD मंगा सकते हैं, जो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस है वहाँ पे भेज दिया जाएगा। उसके बाद आपके पास अदर्स बैंक अकाउंट है तो उसका अकाउंट डिटेल्स भी यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले IFC कोड, उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, उसके बाद री एंटर बैंक अकाउंट नंबर, और यहाँ पे अमाउंट को फिलअप करके यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एग्री करना है। जब टर्म्स कंडीशन को एग्री करेंगे तो यहाँ पे सारे डिटेल्स मेंशन कर दिया जाएगा, कितना लोन अमाउंट मिल रहा है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना EMI पे करना पड़ेगा, कितना प्रोसेसिंग फ़ी पे करना पड़ेगा, और साथ ही साथ यहाँ पे आप कितना दिनों के लिए ये जो लोन अमाउंट यहाँ पे आप ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो यहाँ पे लोन अमाउंट आप लेट
पेमेंट करेंगे तो आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ेगा, सारे डिटेल्स बारीकी से यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो EMI पेमेंट करने का जो चार्ट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे बारीकी से चेक कर सकते हैं सारे डिटेल्स। तो सारे डिटेल्स चेक करने के बाद यहाँ पे टर्म्स कंडीशन को एग्री करना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपने जो बैंक अकाउंट फिलअप किए उस बैंक अकाउंट में यहाँ पे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर आपका जो अमाउंट है वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। लेकिन आप यहाँ पे DD मांगाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 से 5 दिन तक लग सकते हैं घर पे डिलीवर्ड होने तक। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने HDFC बैंक के क्रेडिट कार्ड अगेंस्ट लोन को अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। ऐसे नए नए अपडेट या बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।